लेकिन उसके मुंह से उस तक जाग निकल रहे थे। चार दिन पहले इनकी किसी से लड़ाई भी हुई थी। हमने पूरी कोशिश ये की ताकि वो इस बात को सुने और समझे और कोई एक्शन ले, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक मर्डर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनदीप गौतम। बीते दिनों सुखना लेक पर एक हादसा हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि वो उस मौत का कारण था कि युवक का पांव फिसल गया था, जिस कारण वो पीछे गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर परिवार वालों की मानी जाए तो ये बात परिवार वाले नकार रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक सोची समझी रंजिश थी। आइए उनसे खुद जानते हैं क्या कुछ मामला था। जो युवक था उसका नाम क्या है और उसको क्या लगता है? अजय कुमार है उसका नाम, भाई है मेरा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा सगा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उस दिन वो घर से कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन वो कॉलेज नहीं गया, अपने फ्रेंड्स के साथ वो सुखना लेक पर गया और वहाँ पर किसी का बर्थडे था तो वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने। और उसके बाद कुछ दोस्त थे उसके साथ, टोटल 5 लड़के थे, 5 बंदे थे, मतलब जिसमें कि 2 लड़कियां भी थी। और तो उनका कहना है कि पैर फिसलने से उनकी मौत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पैर फिसलने से उनकी मौत होगी। सबसे बड़ी बात तो उसको स्विमिंग आती थी सबसे बड़ी बात, और कोई बीमारी नहीं थी उसे कि चक्कर, कोई दौरा या फिर कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो गया हो। लेकिन चलो, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि पांव फिसलने से मौत हुई है, तो इस बात से आप सहमति रखते हो? नहीं, इस बात से हम सहमति तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी जब हमने देखा नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जहाँ तक हमें लगता है। इस मामले की जानकारी आपको कैसे मिली? इस मामले की जानकारी हमें मिली, आरिफ है उसका फ्रेंड, एक सेक्टर 29 से वो उसका फ्रेंड था, मतलब काफ़ी समय से, तो मेरे पास उसकी कॉल आई। तो उसकी कॉल आई, वो कहता आपका भाई झील के अंदर गिर गया। तो मैंने उससे और भी बात करने की कोशिश करी, मैं कहा आप ठीक है या नहीं है, तो उन्होंने कोई आगे जवाब नहीं दिया। तो क्या मौका है वारदात पे आरिफ मौजूद था, और जो आप बता रहे हो कि 5 टोटल 5 थे जिनमें की 2 लड़कियां थी और बाकी 3 लड़के थे आपके भाई के समेत, तो उनका कहना यह है कि 2 लड़के केक कटवा के पहले ही वहां से चले गए थे झील के बैक साइड से, और ये फिर फ्रंट साइड आ गए थे। बचे 3 जने बच गए। हाँ, और आपका भाई? टोटल 3 थे, 2 लड़कियाँ और अब भाई और एक और लड़का था, एक लड़का और मौजूद था, मतलब टोटल 4 हो गए। टोटल बंदे 6 थे। हाँ हाँ जी, तो आरिफ नाम का लड़का उस टाइम मेरे भाई के साथ था, तो हमें तो ये लग रहा है कि बस उसके साथ धोखा हुआ है। पुलिस की तरफ से अभी क्या कार्रवाई है, आपको कुछ अपडेट किया गया? पुलिस वैसे तो अपना काम कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम जो कुछ कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं, बाकी हमें भरोसा है पुलिस के ऊपर। मैं उसका दादा लगता हूँ। आप बताएंगे क्या कुछ हुआ? नहीं, जिस टाइम हमें उसका पता लगा था कि बच्चा झील में गिर गया है, तो मैं कोई बात नहीं, झील में गिर गया है तो निकाल लिया होगा। जब मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल लेकर गए हैं, हॉस्पिटल में जाकर जब वहाँ देखते हैं तो मर्तरी में रख दिया था वो, लेकिन उसके मुंह से उस टाइम झाग निकल रहे थे। झील में डूबने से पानी अगर मुंह में जाता भी है तो झाग नहीं निकल सकते, लेकिन उसके मुंह से झाग निकलने बंद नहीं हो रहे थे। जिस टाइम बॉडी को हमने मर्तरी में रख दिया, उस टाइम झील में जाकर देखा, झील में ना तो वहाँ कोई खून के निशान थे ना कुछ भी था, लेकिन हमें बताया गया कि बच्चा यहाँ पर गिरा है। वहाँ पर गिरकर डूबकर बंदा अगर गिरता भी है तो हाथ पर मारेगा, छटपटाएगा, बहुत सारी कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर बच्चा गिरा और वो गिरते ही सर पानी में चला गया दोबारा से, मतलब कोई बॉडी की मूवमेंट वहाँ पर नहीं थी। तो आपको लगता है कि कुछ खिला पिलाकर एक सोची समझी रंजिश है ये? हाँ, वहाँ पर जो एक लड़की जो साथ में थी, उनमें से एक लड़की ने ये कन्फेक्स भी किया था कि हाँ, 4 दिन पहले इनकी किसी से लड़ाई भी हुई थी। जो लड़ाई हुई थी वो लड़का आरिफ था या कोई और था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन लड़ाई हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया बर्थडे का। एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है, लड़कियाँ जो उनमें 2 हैं, उनमें से ये भी देखा जाए कि वाकई वहाँ उस डेट को किसी का बर्थडे था या नहीं था, ये तो उनकी बर्थडे से पता लगेगा। तो क्या पुलिस वालों ने इसकी छानबीन नहीं की कि उस समय वो अगर लड़ाई हुई, ये बात पुलिस वालों को बताई गई? ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने, ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं की। वो बार बार एक ही बात बोलते रहे, आपको लगता है ये मार सकते हैं, आपको लगता है
ये ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने हमारी फेवर ना लेकर हमेशा लड़कियों की बातें की, क्या ये ऐसा कर सकते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? लेकिन मैंने उनको ये कहा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर गिरा और गिरते ही सार कैसे डूब के मर सकता है? विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर आपने बॉडी वहाँ से खबर भी चली गई, आप ले भी आए, हॉस्पिटल भी पहुँच गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर भी कर दिया कि मर गया। कैसे? जिस टाइम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी निकाली थी तब उसका चेहरा पूरा झाग से भरा था, उसका पिताजी, उनने बॉडी देखी निकाली और किसी से भी ये पहचान नहीं जाता कि हमारा बच्चा यही है नहीं है। जब उसके झाग साफ किए गए तब जाकर पता लगा कि हाँ ये अजय है और उसकी बॉडी बिल्कुल, हाँ बॉडी उसकी, चेहरा काला पड़ा हुआ था। तो ये जो लड़ाई का मामला है, आपने पुलिस वालों को बताया कि कुछ दिन पहले इसकी लड़ाई भी हुई थी, हमें शक है कि क्या पता उसी के रहते इसको ऐसा ना किया गया। हाँ ये उनको बताया, ये जब बाद में लड़की ने बताया, पुलिस वालों के सामने ही लड़की ने कहा था कि 4 दिन पहले इसके दोस्त के साथ। पुलिस वालों का क्या कहना था? उन्होंने उसमें कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने बात को ही रख दिया थे। दोबारा आपने पुलिस वालों को याद दिलाने की कोशिश की? उनको बता रखा है, ये उनको बता दिया है कि इनकी पहले झगड़ा हुआ था और हमें अंदेशा यही है कि ये सब एक हादसा नहीं है, ये सोची समझी हत्या है, ये एक मर्डर है। ये जैसे नहीं हुआ कि सब बच्चा झील में गिरा और झील कर मर गया, ये वहाँ पर हम लोग 3:30 बजे पहुँचे थे और हम करीब रात को 9 बजे आए हैं। हमने पूरी कोशिश ये की ताकि वो इस बात को सुने और समझे और कोई एक्शन लें, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम राम दरबार के वहाँ पर 150-200 लोग थे, बहुत कहा उनको, बहुत कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम कराइए। हमने कहा पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन ये है कि जो लड़के लड़कियाँ हैं कम से कम उनसे कोई बात बैठकर पूछो तो सही, उनसे ये तो पता करो आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे है। तो अभी वो जो लड़के और लड़कियाँ हैं अभी वो कहाँ बाहर हैं कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की गई? नहीं, वो उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं, वो सेक्टर 3 थाने में थे, अब वो थाने में है, वो कहाँ पर है इस्टम नहीं, लेकिन हाँ ये पुलिस कस्टडी में है। लड़कियाँ भी नहीं, लड़की में कस्टडी में है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ये बाहर भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इनकी पूरी फैमिली का बाप बेटा हमारे पास है, हम इनके घर वालों को उठा लाएंगे। हमें ये उन्होंने तसल्ली दी है और इसीलिए हमने ये कहा। पुलिस से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? हम तो पुलिस के फिलहाल तो ये है, अगर पुलिस अपनी आगे कार्रवाई करेगी तो वो पोस्टमार्टम पर डिपेंड करता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और हमें इस बात का भरोसा है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, देखो अब सच या झूठ तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम झुठलाएंगे नहीं, वो रिपोर्ट आएगी वो सच होगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई हम चाहते हैं कि पुलिस सरकार कानून करे। हाँ अगर मान लेते फिर भी अगर हमें संतुष्टि नहीं होती है उसके बाद फिर हम डायरेक्ट सीबीआई को सौंपेंगे हम। तो बाद में आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? बिल्कुल, इसके बाद अगर यहाँ हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम सीबीआई जांच कराएंगे, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट इसमें गलत नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि हाँ जैसे इन्होंने कहा कि बच्चा गिरा और डूब गया और मर गया, वो ऐसा नहीं होता। अगर वो डूब कर मरता तो उसके मुंह से वो जहरीले झाग वो नहीं निकलते। जिस टाइम पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए मैं फिर कहूंगा कि उसकी बॉडी काली पड़ी हुई थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।